लड़ाई में टूटी, वो हमें नवाब के छोरा किरण की हुई लड़ाई। तो आपका कैसे मकान इसमें टूट गया? वो छत टूटी है, इसमें आपके घर पे हमला हुआ है, किसने किया है हमला? और आया है जैसे जमीन लुगेट चलाई है। अच्छा, ये आए थे? हाँ, रसीद वगैरह। हाँ। अच्छा, उनके ऊपर इन्होंने जो पत्थर पथराव किया था। हाँ। तब आपके घर में वो लगे। हाँ, हाँ। आपका क्या नुकसान हुआ इसमें? अबे टीन वीन फूटी पड़ी है सब। आपकी कोई इनसे कोई पहले कोई लड़ाई हुई थी या फिर ऐसे ही लगा है कोई पथराव किया इन्होंने? ना, हमारी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा। हाँ, मैं तो ना भी ना हूँ, मेरा कुछ भी ना है गांव में, घर ना, जंगल में, खेत ना। हाँ। और अपन भाई मांग मांग कर मैंने वो करो, अपना कोई बेसहारे हूँ मैं तो बिल्कुल। आंखों से नहीं दिखता आपको? हाँ, कुछ ना दिखे। बच्चे नहीं है? तीन लड़की लड़की है मेरा। लड़की लड़की? हाँ। शोहर नहीं है आपका? है, शोहर भी ना है। किस तरह से पालन पोषण होता है फिर आपका? हाँ, बस ऐसे ही हो, कुछ पेंशन मिलती है। हाँ, वो मिल जाती है, कोई अपना ऐसे करो। आपकी टीने जो टूटी हुई है? हाँ, ऐसे ही सहारा लगाया तो उन्होंने, इन नहीं बनवाया है। गाँव में मजाक मजाक में खूनी संघर्ष, हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने गए युवक के साथ मजाक करना भारी पड़ा। इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं, अजय कोहली के साथ। बताना चाहूँगा, पुनाना मेवात के सिंगार गांव में हंसी मजाक को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। नूह जिले के बिछोर थाना के अंतर्गत सिंगार गांव में हलवाई के दुकान पर मिठाई लेने गए युवक के साथ मजाक करना भारी पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगार गांव में मंगलवार को दोपहर को मजाक के बाद आपसी कहा सुनी ने अचानक झगड़े का रूप ले लिया। झगड़े में पत्थरबाजी तथा घरों में तोड़फोड़ की गई। लाठी डंडों की मारपीट से कई लोग घायल हो गए, जिसमें दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको मेवात के नंदड़ हॉस्पिटल से PGI रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं लाठी डंडों के इस हिंसक घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया। दोनों पक्षों में झगड़ा पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। पीड़ित हाजी रशीद ने क्या कहा, देखिए पीड़ित परिवार की पूरी बात सुनिए। बने रहें DTV पर, धन्यवाद। जी, क्या नाम आपका? रशीद। कौन सा गांव? सिंगार। आपसे झगड़ा हुआ है, किनसे झगड़ा हुआ है, किस वजह से झगड़ा हुआ है, कुछ बताएंगे? ये झगड़ा हुआ है, बच्चों के यहाँ सामने दुकान है हलवाई की, यहाँ पे ये बच्चे थे तीन, एक इलियास नाम का है उसका लड़का है, एक नवाब नाम का है उसका लड़का है, एक मेरा लड़का था। अब इनकी किस बात पे कोई इनकी वहाँ हुई है, उसके बाद में जब हमें पता लगा कि इनका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हमारे बच्चे यहाँ से जाकर उनको बीच बिचाव कर दिया। उसके बाद में हमारा बच्चा यहाँ आया, हमने पूछी क्या बात है, क्या ऐसे ऐसे बात होगी, मैं मार रहा हूँ कि मारा है तो कोई बात नहीं है, बैठो, बात की बात होंगी। उसके बाद 2 मिनट के बाद में इन लोगों ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, नवाब जो है वो और उसके बेटे और उसके परिवार वाले, कितने लोग वो करीब उस टाइम 50 आदमी थे, शुरुआत थी ये। वो जब यहाँ हमारे घर पे नज़दीक आ गए, मैंने बच्चे अपने अंदर घुसा दिए। उसके बाद में फिर हमारे बच्चे छत पे चढ़ गए, यहाँ भी हमारे ऊपर जब वारदात होने लगी तो छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर चढ़ के जब उन्हें देख लिया कि हमारे घर में हमला हो गया, घुस रहे हैं, उनने ऊपर से टोला वोला फेंक दिए हैं, फिर वो पीछे हट गए। उसके बाद वो अपने घर चले गए, हम अपने घर में रहे हैं। उसके करीब 1 घंटा बाद कुछ जो जिम्मेवार किस्म के लोग हैं मोहल्ले के, वो वहाँ आए। आने के बाद में उनका मशवरा हुआ और मकानों की छतों पर गिर चढ़ाई। हमारे बच्चे बोले कि पापा ऐसे हो रहा है, गिर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने दो, तुम बैठ जाओ चुप करके अपने घर में। उसके बाद में मैं, रशीद, शाहिद, जफर, कालू, 4 आदमी हम उस हलवाई के पास में गए जहां उनका झगड़ा हुआ। उससे हमने पूछताछ करी कि भाई क्या मामला था इन बच्चों का जो ये इतना बड़ा मामला हो गया। उनने कही कि देखो लड़ाई का कोई भी इनका सिस्टम नहीं था जो अब बन रहा है, बात हम बता, और इनकी मजाकों में बात हो रही थी। उसके बाद में फिर इनने हमारे ऊपर पथरियाव करा 2 छत्तों से, 2 छत्तन पे से हमारे ऊपर पथरियाव करा। हमारा नीचा घर है छोटा, उसके ऊपर हमारे बच्चों की चोट लगी और हमारी फोड़ तोड़ कर दी गई। हमारे 3 टप्पर के घर हैं, सारी टीन वगैरह टूट गई। आपके कितने लोग घायल हुए हैं झगड़े में? मेरे दो लड़के हैं, एक मेरा भतीजा है, एक मेरा खास बेटा है। कहाँ है आपका?
अब वो इस टाइम जो है वो रेफर कर दिए गए अपने रोहतक के लिए। कल यहाँ से डॉक्टर ने लल्लड़ के लिए भेजा। उनकी तरफ जी, क्या नाम होता? मेरा नाम शाहिद है जी। कौन सा? सिंगार। किस वजह से झगड़ा हुआ सर? ये झगड़ा जी, इन बच्चों का झगड़ा हुआ था इसमें। ये हलवाई की दुकान है ताहिर की। कितने लोगों को भी इसमें झगड़े में चोट आई है? चोट हमारे तो दो लोगों का आई है जी, एक मेरा बड़ा भाई है और एक चाचा का लड़का है। कहाँ पे है वो? हैं जी, कहाँ पे है वो? वो रोहतक है जी, रोहतक। यहाँ से पुनाना से लल्लड़ भेजा था, हम लेके गए उन्होंने, फिर वहाँ से रोहतक भेज दिया। फिर हम रात कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ झगड़ा किया? कौन गिनती? ये पूरे जितने भी घर हैं यहाँ, ये सारे थे। कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिन्होंने, कम से कम 150-200 आदमी थे जी। चारों तरफ से ये छत हैं जो इधर ऊंची ऊंची। ये क्या कोई पहले कोई रंजिश थी या फिर? पहले से असल में जी हमारा अकेला घर है गांव में, बिल्कुल अकेला घर है। हमारे बाप पिताजी और ये चाचा, ये दो भाई थे बस। तो कोई बड़ा बूढ़ा यहाँ बस गया। जब भी कोई बच्चों में भी कहा सुनी हो जाती है, हमारे साथ यही हादसा होता है जी। पूरे इकट्ठे होकर मारते हैं, घेर घेर के, जिधर भी जाएं उधर ही घेर घेर के मारते हैं ये। और फिर बदनामी ऐसी हो जाती है, नुक इनका ही होता है सबसे झगड़ा। अगर कोई किसी छोटे से बच्चे से भी कहा सुनी हो गई तो चारों तरफ से घेर के मारते हैं जी। और हमारा, मैं तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ जी। जब हमारी ये दुकान तोड़ दी सारी, जब मेरे लड़के ने फ़ोन किया था, नुक बाप हमारी दुकान तोड़ दी, ऊपर से गिड़ 5-5 किलो के पत्थर आ रहे हैं, बाइक खड़ी अंदर, बाइक की, मेरे लड़का बाइक का मिस्त्री है, ये दुकान बराबर में मेरी। जब भी कोई झगड़ा होता है हमारी दुकान तोड़ते हैं जी। और ये एक हमारी मौसी है, नाबीना है वो, बिल्कुल बेचारी, उसका आदमी भी मर गया, बेवा है और नाबीना भी है वो, उसका भी घर तोड़ दिया। और हमारी लाइट लग रही है जी, ट्रांसफार्म, इन ये जो जिनसे झगड़ा हुआ उनके घर के सामने ट्रांसफार्म है, वहाँ से हमारी लाइट काट दी कल ली। और ये कह रहे हैं कि लाइट भी नहीं लगाने देंगे और पानी भी नहीं भरने देंगे। अब हमारी लड़की भी इधर उधर पानी के लिए जा रहे हैं, उनने भी घेर घेर के मार रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय है। अब हमारा अकेला घर है जी, इतनी बड़ी बस्ती में कोई ये भी नहीं पूछ रहा भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जैसे कोई 5 आदमी, क्या कोई पुलिस प्रशासन से मांग है आपकी? पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है कि हमारी जांच करे निष्पक्ष और सच्चाई को छाने, जो अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करें और वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ़ करें।